हेलो एंड वेलकम बैक टू द सत्यम शिक्षा सदन यूट्यूब चैनल। आई एम विक्की, आई एम योर मैथ टीचर। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 9C टू क्वेश्चन नंबर 7। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8। सो दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द वन आउट ऑफ टू नंबर इज थ्राइस द अदर इफ देयर सम इज 124। फाइंड द नंबर, बोल रहा है कि एक नंबर जो है दूसरे के क्या है, तीन गुना है। ठीक है, एक नंबर जो है दूसरे के कितना है, तीन गुना है। तो बोल रहा है उसका सम 124 है, तो ये बोल रहा है नंबर को निकालना है। ठीक है, अब देखिए इसका सॉल्यूशन हम लिखेंगे। सॉल्यूशन हो जाएगा, कितना नंबर है, टू नंबर है, तो लेट वन नंबर बी एक्स, पहले को हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। दूसरा नंबर बोल रहा है जो उसके थ्राइस है यानी तीन गुना है। ठीक है, तो सेकंड नंबर जो हो जाएगा, सेकंड नंबर बी, ये क्या हो जाएगा, थ्री एक्स हो जाएगा। देन अब बोल रहा है कि उसका सम जो है 124 के बराबर है, तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम जो होगा 124, तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा x प्लस 3x इज इक्वल टू 124। ठीक है, अब ये लीनियर इक्वेशन क्या हो गया, फॉर्म हो गया। अब इसको सॉल्व करके इजिली निकाल लेंगे, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो x और 3x क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। 4x इज इक्वल टू 124, देन x इज इक्वल टू हो जाएगा 124 डिवाइडेड बाई 4। एक्स इज इक्वल टू होगा 4 3 12, 4 1 4, 31 हो गया। देन हमारा पहला नंबर क्या था, इसको क्या माने थे, x माने थे, तो फर्स्ट नंबर मेरा क्या हो जाएगा 31, एंड देन सेकंड नंबर जो हो जाएगा ये 3x था, यानी 3 इंटू 31 ये हो जाएगा, 3 1 3 3 3 9। हमारा आंसर ये एक हो गया 31, एक दूसरा क्या हो गया 93। दिस इज आंसर। ओके, इसको नोट डाउन करेंगे, पॉज करके वीडियो को। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड टू नंबर सच दैट वन ऑफ देम इज 5 times। ओके, पहले इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दो नंबर है, ठीक है, ये बोल रहा है कि एक नंबर जो है 5 times है दूसरे नंबर के। इसके पहले क्वेश्चन में क्या था, एक नंबर जो था उस थ्राइस था, इसमें क्या है 5 times है। तो इसमें पहला नंबर जो मान लेंगे हम, लेट वन नंबर जो होगा हमारा, एक नंबर को हम मान लेते हैं x, ठीक है, और सेकंड नंबर जो हमारा होगा उसको हम लोग क्या हो जाएगा, 5 times बोल रहा है, तो ये सेकेंड नंबर हो जाएगा 5x। देन बोल रहा है द डिफरेंस इज 132, इसका अंतर जो है, डिफरेंस जो है ये कितना है, 132 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x माइनस x ये हमारा कितना दिया है, 132। डिफरेंस बोल रहा है कि 132 है, तो बड़े वाले को जो है ये ऑब्वियसली क्या होगा, 5 times इसके है, तो ये बड़ा होगा, तो बड़ा और छोटा को माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 4x इज इक्वल टू 132। देन x इज इक्वल टू हो जाएगा 132 बाई 4, इसको काटेंगे तो क्या होगा, 4 3 12, 4 3 12, 33x का वैल्यू आ गया। तो पहला नंबर तो हमारा क्या हो जाएगा, 33 आ जाएगा, पहला नंबर जो हमारा हो जाएगा। देन यहाँ लिखते हैं, पहला नंबर हमारा हो जाएगा, यहाँ क्या आया, 33 आया है, तो पहला नंबर हो जाएगा 33, एंड देन दूसरा नंबर जो हो जाएगा 5 × 33। ठीक है, तो 5 3 15 1 5 3 15 1 16, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, पहला नंबर है 33 और दूसरा हो जाएगा 165। ओके, अब इस क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो है हम 10 के तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ टू कंजिक्यूटिव इवन नंबर इज 74, फाइंड द नंबर। ठीक है, इवन नंबर का जो सम दिया है, दो लगातार इवन नंबर का सम दिया है 74, तो नंबर्स को हमको निकालना है। कल था, आया था क्या, कंजिक्यूटिव सिर्फ नंबर था, और आज जो है इसको पहले इरेज करते हैं।
कल क्या था कंजिक्यूटिव नंबर था और आज दिया है इवन नंबर, ठीक है। तो कंजिक्यूटिव ठीक है, यहाँ जब इवन नंबर दिया जाए तो हम नंबर को जो एज्यूम करेंगे लेट टू दिया है ना, तो फर्स्ट जो होगा हमारा फर्स्ट इवन नंबर जो होगा उसको हम मान लेते हैं क्या एक्स मान लेते हैं, देन सेकेंड जो हमारा इवन नंबर हो जाएगा वो एक्स प्लस टू हो जाएगा, ठीक है। इस पे ध्यान देंगे, कल जो नंबर हम बताए थे कंसेक्यूटिव नंबर तो उसमें हम क्या मान रहे थे एक्स दूसरे को एक्स प्लस वन फिर आगे बढ़ेंगे एक्स प्लस टू, इसमें इवन नंबर होता है जैसे देखिए ये मान लीजिए टू है तो अगला जो इवन नंबर आएगा वो कितना बार आएगा टू एंड देन प्लस इसमें टू ऐड करेंगे यानी अगला जो इवन नंबर हमारा होगा वो क्या होगा चार होगा, इसलिए हम इसको एक्स मानते हैं तो इसको क्या मानेंगे एक्स प्लस टू मानेंगे, ठीक है ये समझ लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट नंबर को क्या मान लीजिए एक्स मान लीजिए, सेकंड नंबर क्या होगा एक्स प्लस टू हो गया। अब बोल रहा है कि इसका सम जो होगा ठीक है सम वो क्या है 74 है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम जो हो जाएगा एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ये हो जाएगा 74 दिया हुआ है, ठीक है। तो एक्स और एक्स क्या हो गया 2x हो गया इज इक्वल टू ये प्लस टू इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा 74 एंड माइनस 2 x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 72 इधर और ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में होगा 2 इज इक्वल टू 36। तो पहला नंबर क्या था x माने तो वो तो आंसर क्या होगा हमारा इसको देखते हैं, पहला नंबर जो था वो हो गया 36, ठीक है ये एक आंसर हो गया। सेकंड नंबर हमको जो हो जाएगा वो होगा x प्लस टू यानी कि यहाँ अगर हम देखेंगे इसको तो 36 प्लस 2 ये आंसर हो जाएगा 38। तो एक आंसर ये हो गया और दूसरा ये हो गया, ठीक है इसको नोट डाउन करेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वीडियो को पॉज करके आप लोग देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, ठीक है। अभी क्या बताया था कंसेक्यूटिव इवन नंबर बताया था, अब क्या आ गया कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, ठीक है इसको देखते हैं। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर दिया और थ्री दिया है, पहला जो हमारा हो जाएगा लेट फर्स्ट ऑड नंबर जो है इसको हम मान लेते हैं एक्स, देन सेकेंड जो हो जाएगा वो होगा x प्लस टू और थर्ड जो होगा तीसरा वो होगा x प्लस फोर, इसको समझेंगे कि मान लेते इसमें यदि हम मानते हैं ये थ्री एक और नंबर है तो अगला जो और नंबर फाइव आएगा ये कितना है इससे दो ज्यादा है इसलिए x प्लस टू मानते हैं, फिर अगला जो होगा इसके ये सेवन होगा फिर इसमें टू ऐड करेंगे तो इसलिए हम इसको क्या माने x x प्लस टू x प्लस फोर, यदि इसके बाद भी पूछा होता चौथा तो क्या होता है x प्लस सिक्स हो जाता है, ठीक है इसको समझेंगे। अब क्या बोला जाता है क्वेश्चन में द सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम जो दिया हुआ है वो क्या है 21 है, अब इसको x प्लस टू प्लस टू प्लस एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू क्वेश्चन में क्या गिवन है 21, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं एक्स एक्स और एक्स कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 3x इज इक्वल टू ये 2 और 4 इस दोनों को क्या करेंगे टू और फोर ऐड करेंगे कितना 6 होगा, तो 21 और इधर लेकर इसको आ जाएंगे तो माइनस 6 स्टेप बढ़ाते हैं थोड़ा बोर्ड पे जरूरत है इसलिए 3x इज इक्वल टू 6 को क्या करेंगे इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 15, देन x इज इक्वल टू क्या होगा 3 इधर डिवाइड होगा तो x इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हैं ना 5, ये हमारा क्या हो गया x इज इक्वल टू 5।
पहला नंबर क्या मान लेते x मान लेते, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये हो गया 5। दूसरा हम क्या माने x प्लस 2 माने, तो इसको यहां लेके आते हैं, तो सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 2 यानी 7 हो जाएगा। पहला तो 5 हो गया, दूसरा 7 हो गया, और तीसरा क्या है x प्लस 4 यानी 5 प्लस 4 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 9। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, इसको लिखेंगे आप लोग अच्छे से कॉपी में इसको नोट डाउन कीजिए। ये आज का आखिरी क्वेश्चन है 11th तक, इसके बाद आप लोग कोशिश करेंगे बनाएंगे, ठीक है, जो बनेगा उसके बाद जो है हम लोग अगले वीडियो में इसको डील करेंगे। तब तक आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।